के बाद में हम सुना ये इसने थोड़ा हाफ हार्टेड भी सुनाया, थोड़ा सा ये इमोशनल हो गया। मैं ऐसे ही नहीं भाग के आया, तुमने मुझे एक शेर सुनाया था बम्बई में जब मैं शराब पीता था और तुम भी पीते थे और हम जूहू पर बैठते थे और गालियां देते थे सारी इंडस्ट्री को कि हमारा जीनियस कोई पहचानता नहीं है ना, याद है? तो शेर था कि आंख भराए जिस शख्स की, आंख भराती है जिस शख्स की, अपने रोने पे मेरे दोस्त क्यों शर्मिंदा है, आंख भराती है उस शख्स की जो जिंदा है। ये शेर इन्होंने मुझे सुनाया था, तो मैंने जब देखा सईद को तो ये शेर जैसे फॉर द मिस्ट ऑफ टाइम एक्सप्लोडेड इन माय माइंड एंड आई एड्रेस्ड यू विद दैट शेर एंड देन आई वेंट एंड हग्ड हिम और फिर मैं उसको ले गया अपने कमरे में। अब वहां से इनका नया चैप्टर शुरू होता है। किसने कहा मुझे आप लेट जाइए, आपके लिए कुछ लिखना है मुझे। तो समझ नहीं आया क्या बोलता है मुझे, तो मुझे उसने लिटा दिया एंड देन ही सैट डाउन बिहाइंड द डेस्क एंड ही सैट डाउन एंड रोट वेरी पैशनेटली एंड देन ही गेव इट टू मी और मैंने उसको पढ़ा एंड आई फेल्ट समथिंग टर्न इन माई हेड एंड आई इमीडिएटली कॉल्ड पूजा एंड सेड पूजा आवर फिल्म इज मेड। ही हैड जस्ट रिटन अ सॉन्ग व्हिच वाज डेडिकेटेड टू मी, आवारापन बंजारापन एक खला है सीने। ही जस्ट सैट डाउन एंड रोट इट देयर एंड देयर। उसका शेर क्या था, जिस धरती पर जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, इश्क की ऐसी राह गुजर को हमने चुना है सीने में, आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, हर दम हर पल बेचैनी है कौन बला है सीने में। एंड दिस सॉन्ग बिकेम द कंपास ऑफ जिस्म एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट जिस्म वाज एमएम करीम द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ इंडिया। साउथ इंडिया में बसते हैं, ये जोधपुर में LIC की पॉलिसी बेचते थे। मैंने इनसे कहा कि खबरदार तो बम्बई में आए, अपनी पाकिजगी को बर्बाद नहीं करना, वहां पर आके जाके दफ्तर पे जाके बैठे हो और फिर जलील कर रहे हो अपने आप को, तुम यहाँ पर LIC की पॉलिसी भेजो, यहाँ पर बैठ के ही काम करो। एंड ही वर्क्ड ऑन द म्यूजिक ऑफ जिस्म विद MM करीम ओवर द फोन एंड ऑल द सॉन्ग्स वर मेड बाय हिम एंड MM करीम ओवर द फोन एंड रिकॉर्डेड इन चेन्नई एंड दैट बिकेम द बिगिनिंग। एंड ऑफ कोर्स आई रिमेंबर Woman, if you remember Saya, you said the music of Saya was outstanding, though the picture did not do well. But I remember Komal telling me, "Ke matlab kya outstanding music, but the music as Mithoon's was because of the extraordinary lyrics that were written by Sayeed Quadri." Kathir Shafai sahab, marhoom, Pakistan ke bahut bade shayar the, unka ke bhaiya, achhi shayari apna sangeet saath leke aati hai. ये शायरी की कोख में ही उसका संगीत होता है। एंड अ गुड म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन इज अ पर्सन हु डजंट डू एनीथिंग, ही जस्ट गोज टू द डेप्थ ऑफ द वर्ड्स एंड इन द वूम्ब ऑफ दोज वर्ड्स इज द मेलोडी एंड दैट्स व्हाट अ मैन लाइक सईद अपना MM करीम थे, वो जबान समझते भी नहीं थे मगर वो दस मरतबा पूछते थे व्हाट डज दिस मीन सर, व्हाट डज दिस मीन सर, खला मीन्स व्हाट सर, खला मीन्स व्हाट सर, and then he would understand and then you can build it. So वहां से इनका सफर शुरू हुआ है और अब ये जो है यहाँ पर आ गए। मुझे एक बात का डर है कि तुम जिस कपड़े में यहाँ पर बैठे हो तो LIC जो बेचता था या पॉलिसी बेचता था, अगर वो कहीं तुम्हारे अंदर दफन हो गया तो वो शायरी कहाँ से आएगी फिर? सो जरा ये शहर से बचो, अपना चांद जो है वहां पर छोड़ के मत यहाँ पर आओ। यू आर नॉट वेलकम या सईद कादरी भाभी, ले जा इनको वहां पर वापस, नहीं तो हमारा शहर जो है पता नहीं यहाँ पर खो जाएगा। But I'm so happy that he is here and I think ye to bahane hote hain kitab ka ek book release and all that, it's a way to come and make memories and I'm very happy that from the struggle days of the 80s to the magical filmy meeting in Jodhpur and a lost and found story to this happy ending. Who says Bollywood stories are lies? They happen. Okay. But I would like to say this, to culminate this with what Bhatt Sahab said, is that this man who came and joined
joined us with Jasim. From Jasim till now, Sayeed Bhai and Vishesh Films have done 24 films, and we are heading for the 25th film in this year. So we'll be celebrating Silver Jubilee, and it's been what a beautiful Silver Jubilee with Sayeed Bhai. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Bilkul. मैं यहाँ जो इस मौके पे हैं बिल्कुल और मैं साहिल शेख जो मेरे दामाद भी हैं इनका जो ये जो किताब आप देख रहे हैं ये सब इनकी इमेजिनेशन है इन्होंने तमाम वक्त लगाया इस पे और आज वो किताब आपके सामने थैंक यू सो मच दोस्त सईद कादरी साहब के बुक लॉन्च पे हम आए थे कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई और हमने अपने इस लंबे सफ़र को सेलिब्रेट किया मिथुन जो था उसने मुझे आज चौंका दिया इतनी अच्छी ये हिंदी बोलता है मैं कभी सोच ही नहीं सकता था और सिर्फ हिंदी बोलता नहीं है बात जो समझाता है बहुत कमाल के समझाता है ही हैज एक्सप्लेन समथिंग टू मी विच इज़ कि अच्छे गाने तभी बनते हैं जब लिरिक राइटर और म्यूज़िक राइटर का रिश्ता ऐसा होता है जैसे जिस्म का और रूह का होता है बिल्कुल और ये कॉम्बिनेशन ही है जिसकी वजह से इसने इतने हिट गाने दिए हैं हमारा दोस्त है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में जब हिंदी सिनेमा के सफ़र का जिक्र होगा ख़ास करके म्यूज़िक का जिक्र होगा तो वो अधूरा होगा अगर आप सईद कादरी मेरे दोस्त का नाम नहीं लेंगे आई एग्री थैंक यू सर अब इससे ज़्यादा बात नहीं सर मैं जा रहा हूँ ठीक है मिथुन मैं छोड़ दूँ जी मेरे लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत फ़ख्र की बात है क्योंकि सईद कादरी साहब के बारे में जिक्र करना मेरे लिए अपने आप में एक बहुत मैं प्राउड फील करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जो सच्चे शायर होते हैं वो सिर्फ गाने नहीं लिखते बल्कि फिल्म जैसे भट्ट साहब ने कहा कि जिस्म उस दिन बनी जिस दिन इन्होंने लिखा कि आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो सिर्फ गाना नहीं लिखते बल्कि फिल्मों को बनाते हैं एक्टर्स को बनाते हैं कंपोजर्स को बनाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सईद कादरी साहब उस तरह के राइटर हैं इन्होंने एक्टर्स को बनाया है फिल्मों को बनाया है और मैं कहूँगा कि मेरे करियर को भी सईद कादरी साहब ने बनाया सो नाइस थैंक यू सो मच थैंक यू सो जी डेफिनेटली बननी चाहिए नहीं जैसे मुझे सुनने में आया कि साहिर लुधियानवी साहब की जिंदगी पर फिल्म बन रही है बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट सो आई थिंक एवरी ग्रेट के ऊपर फिल्म बननी चाहिए और इनका सफ़र भी बहुत ही अनोखा रहा है पीपल शुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम इट I think that's a filmmaker's decision. I would love to see a film made on the life of Sayeed Qadri and Bhatt.